आज ये जो पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग कर रहे हैं, क्या मकसद है, क्यों कर रहे हैं? आज की प्रेस वार्ता में पधारे हुए हमारे सभी आगंतुक बंधु पत्रकार सबों को भारतीय संस्कृति न्यास की तरफ से नमस्कार है। आज आप लोग पधारे, ये बहुत प्रशंसा का कारण होगा हम लोगों के लिए, क्योंकि आपके माध्यम से बहुत लोग लाभान्वित होने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य हमारी संस्कृति, हमारी सनातन परंपरा, इसका पूर्ण और संपूर्ण और संपन्न ज्ञान अपने इस भारतवासियों को आपके द्वारा जहाँ तक हम पहुँच पाएंगे, उन सारे सनातन प्रेमियों को हमारे हनुमान जी के चरणों में अनुराग रखने वाले, श्री राम जी के प्रिय हनुमान जी के से विशेष स्नेह रखने वाले सभी भक्तों तक यह पहुँचे कि हनुमान जी हमारे कर्मशील भगवान हैं और भक्ति की परिकाष्ठा उनमें देखी जा सकती है। सनातन सेवा भाव और कर्तव्य निष्ठ की होने की चर्चा का विषय है, जिससे प्रेरित होने की बात होती है, तो वो श्रद्धेय श्री हनुमान जी की मूर्ति पूजा से और उनकी आराधना के द्वारा हम यह संवाद पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। अभी हनुमान जन्म महोत्सव आने वाला है, इस पे क्या कोई विशेष कार्यक्रम आप लोग करने जा रहे हैं संस्था के द्वारा? जी, अभी पहले तो जैसे भाई साहब ने कहा कि उद्देश्य क्या है, अब इसके बाद मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोगों को जयंती क्या है और जन्मोत्सव क्या है वो नहीं पता है। ये कंट्रोवर्सी हर बार देखते हैं, मीडिया में चलती रहती है। तो हनुमान जयंती हम नहीं कहते, क्योंकि जयंती का मतलब है जो आदमी गुजर गया है, जो है नहीं। और जो जन्मोत्सव है, हनुमान जन्मोत्सव इसलिए क्योंकि हनुमान ही हैं जो लगातार इस धरती पर है और वो मतलब रहेंगे, भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। तो इसलिए बच्चों को बताना, क्योंकि हम लोगों को मालूम हो सकता है लेकिन सभी को नहीं पता है, तो उनको बताना कि हमारी संस्कृति में कौन से वर्ड कहाँ यूज़ होते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। 23 अप्रैल को जो हनुमान मंदिर परिसर है छतरपुर, कात्यायनी मंदिर भी है, बाबा नागपल परिसर भी कहते हैं, उसमें हमारा एक प्रोग्राम है, 4 बजे से शुरू होगा। 4 बजे उसके अंदर 4 से और 6 बजे तक सुंदरकांड का पाठ होगा, उसके बाद हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, और सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें हम उसको भजन संध्या भी कह सकते हैं, वो बच्चे करेंगे जो बिल्कुल एक गरीब परिवार से, जिन बच्चों को हमने एजुकेशन दी है, उनको पढ़ाया है, उनको लगातार हम संस्कार और 2 घंटे की एक शिक्षा भी देते हैं, ताकि वो उस लेवल पे आ सकें कि वो सिर्फ सरकारी स्कूलों में ट्यूशन पे भरोसा ना करें। तो वो बच्चे प्रोग्राम देंगे। उसके बाद हमारा जो है लेज़र शो होता है, मूर्ति जो हनुमान जी की 108 फीट की मूर्ति है उस पर लेज़र शो होगा। लेज़र शो के बाद उसमें धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है, उस पर हमारे वक्ता आएंगे जो विश्व हिंदू परिषद से होंगे, RSS से होंगे, वो सभी इस पर चर्चा का विषय होगा। ठीक है, आपने देखा कि हमने वहाँ पर बनाया हनुमान जन्मोत्सव, यानी 500 वर्षों बाद अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, रामलला जी विराजमान हुए, राम जी का जन्मदिन मनाया, हनुमान जी का जन्मदिन आप विशेष तौर पर मना रहे हैं, क्या अपील करेंगे लोगों से कि इस शुभ अवसर पर, इस शुभ घड़ी पर सम्मिलित हो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं? हम सब यही अपील करते हैं कि आज पूरा विश्व जो है हिंदुत्व को, सनातन को जानना चाहता है। क्यों जानना चाहता है? उसका कारण है कि सनातन केवल धर्म नहीं है, ये विज्ञान भी है। हमने आज से हजारों साल पहले बता रखा है कि यहाँ धरती से सूर्य की दूरी क्या है, वो हमारे हनुमान चालीसा में है, वो बलबुद्धि के देवता हैं, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, हमारे बच्चे जाने अष्ट सिद्धियाँ क्या हैं, नवनिधियाँ क्या हैं। आप देखिए बागेश्वर धाम जो है उसके पास एक सिद्धि है,
तो हमारे पास सिद्धि कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे सिद्धि मिलती है, वो सब चीज़ है। उनको वायुपुत्र हनुमान कहा जाता है। तो हमारा कुछ भी अनलगन नहीं है, सब केवल और केवल विज्ञान है। जो हमने पाया है, जिसको हमने अनुभव किया है, वो हम बताना चाहते हैं और सारी दुनिया उसको जानना चाहती है। और हमारे बच्चे आज हिंदुत्व के प्रति जागरूक हैं और वो सब एक साथ मिलकर के सब समझना चाहते हैं। जब तक हमारा सनातनी भाई, हिंदू भाई खुद जानेगा नहीं, तो आगे उस चीज़ को बढ़ा नहीं सकता। तो इसलिए सबसे पहले हम चाहते हैं हर भारतवासी, हर हिंदू इस चीज़ को जाने कि हम क्या हैं, और उस बात को फिर वो आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। और पूरा भारत इस चीज़ को जानने के लिए तैयार है कि भारत क्या है, हिंदू क्या है, हिंदुस्तान क्या है, सनातन क्या है। जय श्री बजरंगबली महाराज की जय। लक्ष्य कोई छोटा नहीं है, कार्यक्रम बड़ा है, स्वरूप बड़ा है। ऐसे में माना जाए कि दिल्ली का सबसे बड़ा कार्यक्रम आप आयोजन कर रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। देखो जी, हम कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे, हम कोई आयोजन नहीं कर रहे, हम कुछ करने वाले नहीं हैं। जो हो रहा है बजरंग बली की कृपा से हो रहा है, श्री राम की कृपा से हो रहा है। हमारी कोई औकात नहीं है, हम तुच्छ प्राणी हैं। ये बाबा नागपाल की धरती पर हो रहा है, नागपाल जी महाराज की कृपा से हो रहा है। अगर वो ना होते तो ये भव्य मंदिर ना बनता, ये अध्यात्म की नगरी ना बनती। आज छतरपुर अगर अध्यात्म की नगरी है तो उसका बहुत बड़ा वो सारा श्रेय बाबा नागपाल को जाता है और हमारे हनुमान जी महाराज को जाता है, माँ देवी को जाता है, कात्यायनी देवी को जाता है। ये माना जाए कि 23 अप्रैल को पूरा छतरपुर के साथ साथ पूरी दिल्ली, पूरा देश हनुमानमय होने वाला है। भाई साहब, निश्चित तौर पर होने वाला है। आप देखिए, पूरा विश्व आज श्री राम को जानना चाहता है, श्री राम के चरणों में समर्पित है। जो लोग कल तक सेकुलर बने फिरते थे, जो लोग कल तक राम के विरोधी थे, आज वो राम के पक्ष में वो खड़े होते हैं। वो कहते हैं, नहीं, मैं भी सनातनी हूँ। क्योंकि जब सनातन एकत्र हुआ, सनातन मजबूत हुआ, जैसे जैसे सनातन मजबूत होगा, जैसे जैसे हिंदू इकट्ठा होगा, वो अपने आप को जानेगा। आप निश्चित तौर पर मान लीजिए, पूरी दुनिया सनातन को जानना चाहेगी, पूरी दुनिया उसको विश्वगुरु मानेगी। क्योंकि केवल सनातन ही है जो कहता, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाव अवेत। वो केवल सबके मंगल कामना केवल सनातन ही करता है, और कोई भी मजहब ये सब कामना नहीं करता है। इसी का कारण है कि आज दुनिया जानना चाहती है कि इस ये है क्या है। मतलब कहा जाए देश राम राज्य की ओर अग्रसर हो रहा है। अभी जो मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं उसमें सबकी बात नहीं कहूँगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमने केवल राम मंदिर की स्थापना की है, प्राण प्रतिष्ठा की है। हमारा लक्ष्य है कि राम को जाने लोग। राम को मानने बहुत ज़रूरी है, लेकिन राम की माने, राम को मानने के साथ साथ राम की भी माने। जब तक राम को मानने के साथ राम की नहीं मानेंगे, तब तक काम चलने वाला नहीं है। उसमें मैं एक वृत्तांत छोटा सा सुनाता हूँ कि जब रावण का बेटा मर जाता है, जब उसका वध हो जाता है, तो श्री राम उसको सांत्वना देते हैं, उसका शोक प्रकट करते हैं। आप सोचिए, हम कितने बड़े जो है दिल वाले हैं कि दुश्मन को मारने के बाद दुश्मन के साथ हम खड़े होकर शोक प्रकट करते हैं। इसका कारण है कि हमारे अंदर नफरत नहीं है, विरोध है। विरोध के लिए हम धर्म के लिए अस्त्र उठाए हैं, लेकिन नफरत नहीं है। ये हमारा धर्म कहता है, इसीलिए भारत सारी दुनिया जानना चाहती है कि भारत क्या है। हर साल हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है, पूरे देश में मनाया जाता है। इस बार जो छतरपुर में जो आप लोग मनाने जा रहे हैं, क्या खास होगा, क्या आकर्षण का केंद्र क्या होगा इस बार? जी, पिछले 2 सालों से छतरपुर मंदिर में हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। 50 लोगों से शुरू हुआ था, आज 5,000 लोग हर मंगलवार को हनुमान भक्त हनुमान चालीसा करते हैं, एक साथ खड़े होकर के। 11,000 दीपों और फूलों से रंगोली बन रहा है, एक कारण है। दूसरा कारण है कि लेजर शो लाइट के माध्यम से हनुमान चालीसा पाठ होगा। और छतरपुर के आसपास जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं, आयानगर, भाटी, माइंस, मरोली, सब लोगों की पूरी सूचना है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग, मुझे लगता है 21,000 से ज़्यादा संख्या में हनुमान भक्त यहाँ पे हनुमान चालीसा पाठ करने आ रहे हैं। आप लोगों का क्या टारगेट है, कितने लोगों को इकट्ठा करना, कितने लोग एक साथ हनुमान? सर, 21,000 से ऊपर का है, 21,000 से ऊपर हनुमान भक्त आके हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया है कि ये हनुमान जी के प्रति लोगों को ज़्यादा जागरूकता हुई है, जगह जगह लोग, कई बार कई जगह देखा गया कि रोड पे भी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। सर, हो रहा है। हम लोगों ने ही छतरपुर में ही एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था पार्क में, हमने वहाँ से शुरू किया था 40 लोगों से। फिर हमने 100 फुटा रोड है वहाँ भी किया था। फिर हनुमान जी की मूर्ति के सामने में रोड पर हम लोगों ने हनुमान चालीसा पाठ किया था। आज
छतरपुर नहीं पूरे भारत में हर जगह हनुमान चालीसा होना शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये रोड पे करना, मंदिरों में करना, सब जगह इन्हीं कारणों से आज पूरे देश में होना शुरू हुआ है। ठीक है।